बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए बात करते हैं बसपा शासनकाल में तूती बोलने वाले तत्कालीन राज्य मंत्री याकूब कुरैशी की। कभी डेनमार्क के कार्टूनिस्ट के सिर पर 51 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करके चर्चा में आए याकूब कुरैशी पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। घर पर दबिश दी जा रही है, लेकिन याकूब कुरैशी व इमरान कुरैशी का पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही। हालांकि इससे पूर्व हुए कई मामलों में भी ऐसा ही हुआ है कि पुलिस ने याकूब के घर दबिश तो दी, लेकिन किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस विभाग में हालांकि चर्चा है कि पैसे का प्रभाव गिरफ्तारी में याकूब के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया है। इस बीच बसपा की जिला इकाई आज खुलकर याकूब के पक्ष में खड़ी नजर आई। बसपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि याकूब पर कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित है, लिहाजा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। आइए बताते हैं क्या ताजा तरीन मामला है जिसे लेकर अब पूर्व राज्य मंत्री याकूब कुरैशी की घेराबंदी की जा रही है। थाना खरखौदा के हाजीपुर गांव के मुजम्मिल ने याकूब व इमरान के खिलाफ जानलेवा हमले करने व धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुजम्मिल का आरोप है कि हापुड़ रोड स्थित डिकॉली गांव में उसकी 4050 मीटर जमीन थी। 2002 में उसकी माँ मीरा मीजा की मौत के बाद यह जमीन मुजम्मिल, उसके भाई यामीन मुस्तकीम व नवाब के नाम चढ़ गई थी, लेकिन याकूब कुरैशी ने इस जमीन का बैनामा आबिद अख्तर से अपने नाम करा लिया। आरोप लगाया गया है कि गत 13 सितंबर को याकूब कुरैशी इमरान व अन्य वहां पहुंचे और फायरिंग की। इस आशय का मुकदमा खरखौदा थाने में दर्ज भी कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हाजी याकूब ने यहां एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। प्राधिकरण का कहना था कि याकूब ने फैक्ट्री का नक्शा पास नहीं कराया है, जिस पर फैक्ट्री परिसर में ही स्थित मस्जिद को जमींदोज करना पड़ गया था। हाजी याकूब का घर कोतवाली थाना अंतर्गत सराय वहली में है। याकूब परिवार कोतवाली थाना पुलिस की नज़दीक अभी किसी से छिपे नहीं है। इस मामले में एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने कई थानों की फोर्स लेकर याकूब के आवास पर दबिश दी, लेकिन जैसा अक्सर होता है वहां कोई नहीं मिला। हालांकि एसएसपी अजय साहनी का यही कहना है कि गिरफ्तारी अवश्य होगी। आज बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष प्रधान के साथ कुछ लोगों ने एसएसपी को संबोधित एक ज्ञापन दिया। साथ ही इमरान का एक पत्र भी सौंपा, जिसमें कहा गया है कि थाना खरखौदा पुलिस जानबूझकर उनका उत्पीड़न कर रही है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर एक सप्ताह बाद झूठी रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी से देखा जा सकता है कि वहां कोई फायरिंग नहीं हुई और वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आइए देखते हैं क्या कहा जिलाध्यक्ष सुभाष प्रधान ने। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष प्रधान, जिलाध्यक्ष बसपा मेरठ। हम लोग यहाँ पर एसएसपी महोदय से मिलने आए थे, क्योंकि जो हाजी याकूब और उनके बेटे हाजी इमरान साहब के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, उस बारे में हम प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई तब करें, पहले जांच कर लें। अगर वो दोषी हैं हम बिल्कुल जांच के लिए उसमें तैयार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत हो। अगर वो दोषी नहीं है, निर्दोष हैं, तो इस मामले को ख़त्म किया जाए। अब से पहले जमीन के किसी मामले में आज तक आपने सुना है कि भाई इस तरह का, जबकि उनका 15 साल से उस जमीन पर कब्जा है, 15 साल पहले उन्होंने बैनामा किया है, सब कुछ उनके पास प्रूव है। जो मामला सिविल का है उसको सिविल में ही रहने दें, उसे क्रिमिनल क्यों बना दिया भाई? फर्जी 307 बनाकर थाना खरगोदा ने उन्हें फर्जी फंसाने की कोशिश की जा रही है, और हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जाँच होकर कार्रवाई हो। आज इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।